गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जैसा कि हमने कल आपको ट्रायंगल्स चैप्टर की प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4, 5 बताया था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 की जो प्रॉब्लम है, इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पीक्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर शो दैट बी सी पैरेलल क्यूआर। देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें ओ पी ओ क्यू और ओ आर लाइन ड्रॉ की गई, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाया गया ए बी सी। अच्छा, इसमें ए बी सी जब ट्रायंगल बना तो ए बी को पी क्यू के पैरेलल बताया गया और ए सी को पी आर के पैरेलल बताया गया। आपको बी सी को क्यू आर के पैरेलल बताना है। अच्छा, बी सी क्यू आर के पैरेलल कब होगा? जब ट्रायंगल क्यू आर की साइडें प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, यानी सेम रेशियो में हो जाएंगी, यानी ओ बी बाई बी क्यू और ओ सी बाई सी सी आर ओ आर हम ले आएंगे, सी आर ले आएंगे, तो ये आपकी लाइनें जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। देखिए, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल पी क्यू गिवेन है। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं। OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। किस कंडीशन पे? जब ट्रायंगल POQ में AB PQ के पैरेलल है तो उसकी साइडें प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में। इन ट्रायंगल POR AC पैरेलल PR, AC PR के पैरेलल दिया है, तो OA बाई AP इज इक्वल टू ओसी बाई सी आर, ओसी बाई सी आर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर आप फर्स्ट एंड सेकंड कंपैरिजन करेंगे, लेफ्ट पार्ट इक्वल है, राइट पार्ट इक्वल हो जाएगा, ओबी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओसी बाई सी आर आपका आ जाएगा। फिर इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, हम आ जाएंगे इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम आ जाएंगे। यहां पे मिला ओबी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओसी बाई सी आर। अब देखिए, किसी ट्रायंगल की अगर साइडें प्रोपोर्शनल आए तो लाइनें पैरेलल होंगी, सो बीसी पैरेलल क्यूआर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आ जाएंगे। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड रिकॉल दैट यू प्रूव दैट इट इन क्लास 9। हम इसमें देखेंगे कि एक ट्रायंगल एबीसी है, डी एबी के मिड पॉइंट पे है। आपको प्रूव ये करना है कि डी ने एसी को बाइसेक्ट, यानी थर्ड साइड को बाइसेक्ट किया। तो प्रूव करने के लिए, डी एसी को कब बाइसेक्ट करेगा? जब ए मिड पॉइंट पे होगा। यानी हमें जो प्रूव पहले करना है कि ए मिड पॉइंट पे है। इन ट्रायंगल एबीसी डी इज मिड पॉइंट ऑन एबी, ये गिवेन है, क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, अब जब डी मिड पॉइंट पे है तो ए डी बी डी के इक्वल होगा, हाफ पार्ट इक्वल होगा। ऐसे हम इसके नीचे ले आएंगे, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू 1/1, ये आपकी पहली इक्वेशन। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल, इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी, और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो साइडें प्रोपोर्शनल यानी सेम रेशियो में होती है। AD by BD is equal to AE by AC। TT यानी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ सब क्वेश्चनों में अप्लाइड हो रही है। यहाँ पे ये देखिए, AD by BD की वैल्यू फर्स्ट में, यहाँ फ्रॉम फर्स्ट से लिया गया, AD by BD की वैल्यू 1/1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1/1 लिख दिया, is equal to AE by AC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AE by AE is equal to EC हो जाएगा, यानी जब ए और ए सी हाफ पार्ट इक्वल हो गया तो ये, सो ये इज मिड पॉइंट ऑन ए सी, ये मिड पॉइंट पे हो गया ए सी के, और हैंस डी बाइसेक्ट ए सी, तो डी ने ए सी को बाइसेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएंगे। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें डी और ई दोनों मिड पॉइंट पे हैं। आपको प्रूव करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है।
बीएबीसी के पैरेलल कब होगा, लाइनें कब पैरेलल होती हैं, जब साइडें प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो में होती है। हमें एडी बाई बीडी एई बाई ईसी प्रूव कर देना है तो डी पैरेलल बीसी खुद ब खुद आ जाए। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई मिड पॉइंट आर एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली। ट्रायंगल एबीसी में डी और ए मिड पॉइंट पे है एबी और एसी के क्रमशः। सो जब डी मिड पॉइंट पे होगा तो एडी बीडी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जब पॉइंट मिड पॉइंट पे है तो हाफ पार्ट इक्वल होगा, यानी एडी इज इक्वल टू बीडी, यानी एडी बाय बीडी इज इक्वल टू 1/1, ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर देखेंगे ए इज मिड पॉइंट ऑन एसी, अगर ए मिड पॉइंट पे है तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं ए बाय ईसी इज इक्वल टू 1/1, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट पार्ट इक्वल है, लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, एडी बाय बीडी इज इक्वल टू ए बाय ईसी। तो आप देखिए कि ट्रायंगल एबीसी की साइडें प्रोपोर्शनल यानी सेम रेशियो में हो गई, सो डी पैरेलल बीसी।